हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, 10,000 से नीचे के बजट सेगमेंट में कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है और इस बजट में एक और कंपटीटर सैमसंग M01 आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ डिफरेंस है सैमसंग M01 और नार्जो 10 में, और दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको सैमसंग M11 के बारे में भी बताऊंगा कि नार्जो 10 से वो किस मामले में बेहतर है। सबको जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। तो सबसे पहले दोनों की डिज़ाइन और डायमेंशन की बात करें तो लुक वाइज और डिज़ाइन वाइज दोनों में ही नार्जो 10 मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। नार्जो 10 की थिकनेस 9mm की है, तो वहीं सैमसंग M01 की 9.8mm की। यहां तो नार्जो थोड़ा स्लिम है, लेकिन वहीं वेट के मुकाबले में नार्जो 10 थोड़ा ज़्यादा है। सैमसंग M01 का वेट 168 ग्राम का है, तो वहीं नार्जो 10 का 195 ग्राम का। वैसे दोनों में ही आपको प्लास्टिक का बैक पैनल दिया गया है, लेकिन नार्जो 10 की ग्राफिक्स और बिल्ड क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगी। डिस्प्ले की बात करें तो नार्जो में IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, तो वहीं सैमसंग में TFT LCD स्क्रीन, जो कि IPS LCD के मुकाबले में थोड़ी सस्ती है और इसकी कलर एक्यूरेसी भी कम होती है। नार्जो 10 में आपको 6.5 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले मिलती है, तो वहीं सैमसंग M01 में 5.7 इंचेस की, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में भी नार्जो आगे निकल जाता है। नार्जो 10 में आपको 84% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है, तो वहीं सैमसंग में 78% की, और नार्जो में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी दी गई है, तो वहीं सैमसंग में कोई भी ऑफिशियल प्रोटेक्शन नहीं दी गई। हालांकि दोनों में ही आपको HD+ रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन मिलती है, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी और साइज में नार्जो ज़्यादा अच्छा है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो नार्जो में आपको MediaTek Helio G70 का चिपसेट लगा है और सैमसंग में Snapdragon 439 का। हालांकि दोनों ही चिपसेट 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं, लेकिन Helio G70 जो कि एक गेमिंग चिपसेट है, Snapdragon 439 से थोड़ा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। वैसे Snapdragon 439 भी एक अच्छा चिपसेट है और डेली यूजर मल्टीटास्किंग में ये आपको कोई भी परेशानी नहीं आने देगी। स्टोरेज और रैम के मामले में दोनों ही बराबर है। दोनों में ही आपको 3GB रैम के साथ 32GB की स्टोरेज दी गई है, और दोनों में ही डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। अब कैमरे की बात करें तो दोनों के ही फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, लेकिन सैमसंग में F2.2 अपर्चर का सेल्फी कैमरा है और वहीं नार्जो में F2.4 अपर्चर का, और सेल्फी के मामले में सैमसंग थोड़ी बेटर इमेजेस कैप्चर करता है। हालांकि रियर कैमरे में नार्जो क्लियर विनर दिखता है, क्योंकि इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, तो वहीं सैमसंग M01 में डुअल कैमरा सेटअप। वैसे नार्जो में 12 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर वाला मेन कैमरा दिया गया है, तो वहीं सैमसंग में 13 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर वाला, और डे लाइट में दोनों ही अच्छी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, लेकिन लो लाइट में नार्जो थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है क्योंकि इसका अपर्चर कम है। दोनों में ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, लेकिन नार्जो 10 में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिल जाता है। अब बैटरी में भी नार्जो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है और सैमसंग में 4000mAh की, लेकिन दोनों ही 10W की स्टैंडर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो नार्जो में आपको अच्छी मिलती है, वो है रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन। वहीं अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सैमसंग में ब्लूटूथ वर्जन 4.2 का सपोर्ट मिलता है, तो वहीं नार्जो 10 में ब्लूटूथ वर्जन 5 का, और नार्जो 10 में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, जो कि सैमसंग में आपको नहीं मिलता। तो मेरी माने तो नार्जो 10 हर हाल में सैमसंग M01 से बेहतर है। हाँ, लेकिन अगर आप सैमसंग M11 से इसकी कंपेयर करते हैं तो कैमरा डिपार्टमेंट में सैमसंग M11 ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन बाकी सब में नार्जो 10 ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।